शारदा सत्य सत्य बताओ, मेरी अनुपस्थिति में तुमने अलमारी में से मणि निकाली ना? बताओ। हम जिज्ञासु थे ये देखने के लिए कि आप क्या लेकर आए हैं, इसलिए उसे देखने हेतु हमने अलमारी से मणि बाहर निकाली और तब भास्कर होने लगा और हम उन्हें मणि अलमारी में रखना भूल गए। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें लगा आप हमारे लिए उपहार लेकर आए हैं। अरे उपहार लाता तो तुम्हें देता नहीं क्या, अलमारी में छुपा कर क्यों रखता? ईश्वर, मैं महाराज को क्या कहूंगा, क्या उत्तर दूंगा मैं उन्हें? महाराज तो फिर कभी मुझ पर विश्वास ही नहीं करेंगे। तू चिंतित ना हो रामा, भविष्य में मैं ये ध्यान रखूंगी कि शारदा अपने उत्सुकता पे नियंत्रण रखे। कौन सा भविष्य? भविष्य होगा तब ना, मुझे नहीं लगता कि अब विजयनगर में मेरा तुम्हारा इसका हमने से किसी का भी भविष्य है। यदि प्राण बच भी गए ना तो राज्य से निष्कासन पक्का है। गुरुजी, उठिए। उठिए ना गुरुजी। नहीं जगे, ये तो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कि चल बसे। मनी, ये कुंभकर्ण रूपी हमारे गुरुजी ऐसे नहीं उठने वाले, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। निकल गया रास्ता धनी। गरम है गरम। चल 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 चल। बहुमूल्य मणि को पानी में डुबोना है। ये मणि कहां चली गई? इसी संदूक में तो रखी थी। गुरुजी पुनः विचार कीजिए, किसी दूसरे संदूक में रखी होगी। किसी में रखी थी गुरुजी, पुनः विचार कीजिए, किसी दूसरे संदूक में रखी। क्या रहे ना, इसी में रखी थी, इसी में रखी थी, इसी में रखी थी। अच्छा, अपनी समस्त बहुमूल्य वस्तुएं पत्र पत्रिकाएं इसी इसी संदूक में रखते हैं हम। मणि कहाँ चली गई? हे ईश्वर, हमने तो अलमारी में ही रखी थी। समझ में नहीं आ रहा अब हम महाराज को क्या उत्तर देंगे। हे ईश्वर, ये पुष्पावली संपूर्ण दिवस मणि कमर में बांधे घूम रहा था, ये देखो पोटली अभी भी हाथ में है परंतु मणि नहीं है। मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है, अब की बार महाराज मुझे नहीं छोड़ेंगे, फांसी पर लटका के ही मानेंगे। कहां जा सकती है मणि? हे भगवान, यदि मणि नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। कहां गई मणि, कहां गई, कहां? कहीं ये कार्य तुम दोनों का तो नहीं? आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी, हम ऐसा दुष्कर्म कर सकते हैं क्या? हाँ, आपको लगता होगा गुरुजी, किंतु हमने ये कार्य नहीं किया है। हैं? तुमने नहीं किया तो कहाँ चली गई मणि? गुरुजी तनिक विचार कीजिए, आज आपके निवास स्थान पर पंडित रामकृष्ण के अलावा और कोई भी नहीं आया है और आपकी मणि लापता हो गई। कुछ अर्थ समझे इस बात का गुरुजी।
ओहो, अच्छा, अर्थात हमें फंसाने के लिए पंडित रामाकृष्णा ने मणि चुराई है। ये पंडित रामाकृष्णा हमसे प्रतिशोध लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये शारदा देवी और अम्मा को हमने पंडित रामाकृष्णा की सौदामिनी देवी के घर में उपस्थिति के विषय में बताया था। संभवतः उसी का प्रतिशोध ले रहा है पंडित रामाकृष्णा हमसे। हाँ, ये पूर्व में भी सौदामिनी देवी के साथ हमारे संबंध बिगाड़ने का प्रयास किया और अब हमारे निवास से मणि चुराकर महाराज की दृष्टि में गिराना चाहता है हमें। सीमा लांग गए पंडित रामकृष्णा, इस बार सीमा लांग गए तुम। बहुत बुरा परिणाम होगा इसका, बहुत बुरा परिणाम होगा। जी हना जी, अब हमें कुछ करना होगा। क्या करें? गुरुवार कोतवाल और महारानी तिरुमलम्बा की मणियां चोरी हो जाती हैं, और महारानी तिरुमलम्बा की मणि तो राजमहल से चोरी होती है। इतना दुस्साहस, उस चोर को बंदी बनाना होगा शीघ्र अति शीघ्र। महाराज, मात्र संदेह के आधार पर किसी गणमान्य व्यक्ति पर आरोप लगाना अनुचित है। देखिए महाराज, यदि परिस्थिति के विश्लेषण में हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो किसी निर्दोष व्यक्ति के व्यक्तित्व पर व्यर्थ ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो जब तक पूर्ण विश्वास ना हो कुछ ना कहना ही उचित है। किंतु गुरुवर, यदि आप दरबार को परिस्थिति से अवगत नहीं कराएंगे तो वो व्यक्ति अपराधी है या नहीं इसका निर्णय कैसे होगा? गुरुवर, महारानी चिन्ना देवी ठीक कह रही हैं। आपके मन में जो कुछ भी है स्पष्ट कीजिए। जी महाराज, हमारा आपसे निवेदन है, बल्कि आग्रह है कि आप सैनिकों को भेजकर पंडित रामाकृष्णा की आवाज से पंडित रामाकृष्णा को बुलवा लें, क्योंकि पंडित रामाकृष्णा ही इस विषय पर प्रकाश डाल सकते हैं। सैनिक गुरुवर? जी सेवक, सेवक महाराज, सेवक भेजकर पंडित रामाकृष्णा को बुलवा लीजिए, क्योंकि पंडित रामाकृष्णा ही जानते हैं कि सत्य क्या है। तो पंडित रामाकृष्णा इन चोरियों के संदर्भ में हमारी कोई सहायता कर सकते हैं? प्रणाम महाराज। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। रामा, कहीं दरबार में सबको ज्ञात तो नहीं हो गया कि तूने मणि खो दी है? हे माँ, मुझे महाराज के क्रोध का सामना करने की शक्ति दे। पंडित रामकृष्णा। महाराज, क्या आप दरबार को कुछ बताना चाहते हैं? बोलिए पंडित रामकृष्णा, कुछ बोलिए। यदि आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाएगी। पंडित रामकृष्णा बोलिए। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। यही त्रुटि पंडित रामकृष्ण के अष्ट दिग्गज के पद को ले उड़ेगी। हैं? ये इतनी सरलता से स्वीकार कर लेगा, ये आशा तो हमें भी नहीं थी। इसका अर्थ है गुरुवर ने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है। गुरुवर को कैसे ज्ञात हुआ? प्रश्न का उत्तर दीजिए पंडित रामकृष्णा। जी महाराज, अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सत्य है।
मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अर्थात गुरुवर और कोतवाल महोदय की मणियां आपके पास है। महाराज, कोतवाल महोदय और गुरुवर, गुरुवर और कोतवाल महोदय की मणियां मेरे पास? नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं, इनकी मणियां मेरे पास कहां से आ सकती हैं? पंडित रामकृष्णा जी, दरबार से मणि ले जाने के पश्चात मैं आपके अतिरिक्त और किसी से नहीं मिला, और आपसे मिलने से पूर्व मेरी मणि मेरे पास ही थी। ये कैसा अनुचित आक्षेप है कोतवाल महोदय, आपको तो ज्ञात भी नहीं था कि आपने मणि वाली पोटली गिरा दी है। मैंने धरती से उठाकर आपको तुरंत लौटा दी थी, और पूरे समय तो आप मेरे समक्ष ही बैठे रहे थे ना। फिर मैंने कब आपकी पोटली से मणि निकाली बताइए, दीजिए उत्तर। पंडित रामकृष्णा, तने किधर देखिए आप? देखिए पंडित रामकृष्णा, कल हमारे निवास पर कोतवाल और आपके अतिरिक्त ना कोई था और ना ही कोई आया था। कोतवाल के आगमन से लेकर प्रस्थान तक आप कोतवाल के समक्ष थे सदैव। तो कोतवाल पर संदेह करने का तो कोई कारण ही नहीं होता है। और हां पंडित रामकृष्णा, कोतवाल के आने से पूर्व और जाने तक आप हमारे कक्ष में अकेले थे। महाराज, यहां इस बात को स्मरण करना भी अत्यंत आवश्यक है कि जब हम अपने कक्ष में विश्राम पूजा करने के लिए गए थे तो पंडित रामकृष्णा हमारे कक्ष में अकेले बैठी थी, और जब हम पूजा करने के पश्चात आए तो पंडित रामकृष्णा हमारे कक्ष में नहीं थे, ये जा चुके थे हमें सूचित किए बगैर। तो पंडित रामकृष्णा, आप ये बताइए कि हमें सूचित किए बिना आप कहां गए, क्यों गए, किस लिए गए? और हां, आपके जाने के पश्चात से ही मणि नहीं मिल रही है, तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए पंडित रामकृष्णा? बोलिए बोलिए। अच्छा मत बोलिए, यदि इस प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है तो मत दीजिए, परंतु यह बताइए कि आपने मणियों को 7 लोगों में बांटने का सुझाव क्यों दिया? ताकि सारी मणियां सुरक्षित रहे गुरुवर, इसलिए। जिस संदेह का संकेत हमारा मस्तिष्क दे रहा है उसे हमारा हृदय नहीं मानता, और जो हमारा हृदय आपके पक्ष में कह रहा है उसे हमारा मस्तिष्क तर्कसंगत नहीं समझता। महाराज, मान लीजिए मणियों को चुराने की इच्छा रखने वाला यदि कोई चोर होता और उसे ही मणियों की सुरक्षा का भार सौंप दिया जाता, तो क्या वो मणियां चुरा पाता? वो तो यही कहता ना कि मणियों की सुरक्षा का भार उसके साथ साथ और व्यक्तियों को भी सौंप दिया जाए, ताकि भविष्य में वो अपनी चौर्य कला का प्रदर्शन कर उन मणियों को चुरा भी ले और उस पर आक्षेप भी ना आए। तो आप ये कहना चाहते हैं गुरुवर कि आप दोनों की मणियां मैंने चुराई हैं? ये हम कहां कह रहे हैं पंडित रामकृष्णा, ये तो आप कह रहे हैं। मेरी तो स्वयं अपनी मणि खो गई है, और गुरुवर कह रहे हैं कि इनकी मणि मेरे पास है। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम मंत्रीवर। महाराज, जो मणि आपने हमें सुरक्षित रखने को दी थी वो खो गई। क्या? महाराज, महामंत्री तिमरासु जी, कहीं आप ये पंडित रामकृष्णा आपसे मिलने तो नहीं आए थे आपके निवास पर?
नहीं गुरुवर, अभी तो राज दरबार के पश्चात हमारी और पंडित रामकृष्ण की भेटी नहीं हुई, परंतु आप ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? देखिए महामंत्री तिम्मारासु जी, गुरुवर हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि महारानी तिरुमलम्बा की मणि भी चोरी हुई है। जी क्या छोटी महारानी जी की भी मणि चोरी हो गई? राजमहल से चोरी हो गई? किंतु ये तो असंभव है। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम। आशा करते हैं महाराज ने और बाकी सभी मणियों के संरक्षकों ने नियम अनुसार अपनी अपनी मणियों को मध्य रात्रि जल में रखा हो। महाराज कृपया हमारी जिज्ञासा शांत करने की कृपा करें। मणियां सुरक्षित तो है ना? हमें अत्यंत खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो मणियां अतुल्य नगर की धरोहर चोरी हो गई है। ईश्वर यह अनर्थ हो गया, महाराज ये घोर अनर्थ है। शांत हो जाइए और आप निश्चिंत रहिए, हम शीघ्र अतिशीघ्र वो मणियां एवं वो चोर पकड़ लेंगे। महाराज हम मणियों के बिना अपने राज्य नहीं लौट सकते। अगर पूर्णिमा से पूर्व हमें मणियां नहीं मिली तो महाराज हम इसी दरबार में अपने प्राण त्याग देंगे। ये ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि पूर्णिमा से पूर्व वो मणि आपके समक्ष होंगे, निश्चिंत रहिए। प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण महाराज, कुछ समय पूर्व आप राज दरबार में कह रहे थे कि आपसे कोई त्रुटि हुई है, किस विषय में कह रहे थे आप? महाराज आपने अत्यंत ही विश्वास के साथ मुझे मणि सुरक्षित रखने के लिए दी थी, किंतु वो मणि मुझसे खो गई महाराज। आपका विश्वास मुझसे खंडित हो गया, तो मेरी दृष्टि में ये किसी अपराध से कम नहीं है महाराज, इसलिए मैंने कहा था कि मुझसे अपराध हुआ। हमारे अनुभव से हम कह सकते हैं कि इन मणियों की चोरी में पंडित रामकृष्ण का कोई हाथ नहीं। महाराज परंतु पंडित रामकृष्ण इन चोरों को पकड़ने का दायित्व, उन मणियों को पुनः हमारे समक्ष लाने का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। अपने आप को निर्दोष साबित करने के साथ साथ विजयनगर राज्य की प्रतिष्ठा को भी बचाइए।